सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द DIY जुगाड़ और मेरा नाम है वैभव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2019। आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें, बहुत ही बढ़िया बढ़िया साल रहे आपका। सो बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आप में से काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक्टिवा पे वीडियो नहीं आ रही है, खासतौर से लाइट्स पे। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ लाइट्स के ऊपर। सो पहले तो आपको मैं लाइट्स दिखाता हूँ कौन कौन सी हैं। सो यहाँ पे है मेरे पास ये तीन लाइट्स। सो सबसे पहले तो मैं आपको इनको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। सो जो हमारी फर्स्ट लाइट है वो है ये, दो साइड्स पे आपको SMD LEDs मिल जाती हैं और ये एक H4 कनेक्टर के साथ आती है जो आपके एक्टिवा या किसी भी बाइक में फिट हो जाएगा। और जो सेकंड लाइट है वो है ये, जब भी आप किसी शॉप वाले के पास जाके कहते हैं कि बाइक में LED डलवानी है सस्ते वाली, तो वो आपको यही उठा के दे देता है। और इसमें आपको तीन LEDs आगे मिल जाती हैं और साइड पे कुछ कलर्ड LEDs मिल जाती हैं और ये भी एक H4 कनेक्टर के साथ आती है। एंड नाउ कम्स द थर्ड वन, ज़्यादातर ये गोल्डन मिसाइल के नाम से जानी जाती है, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ऊपर आपको कुछ ऐसी सी लुक मिलेगी, बट इसमें फ़ैन नहीं है। और तीन साइड्स पे आपको SMD LEDs मिल जाएंगी और ये भी एक H4 कनेक्टर के साथ ही आती है। सो ये है वो तीन LED लाइट्स। और कंपैरिजन करने से पहले ही बता दूं कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता इनको यूज़ करने के लिए। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको शौक तो पूरा करना होता है व्हाइट लाइट LED लगाने का, बट किसी ना किसी कारण बजट कम होता है, सो वो ये वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। और तीनों में से बताऊँगा कि बेस्ट कौन सी मुझे लगी। और अगर आप इनको यूज़ भी करते हैं तो आप इनको सिटी में यूज़ कीजिए या जहाँ पे लाइट ज़्यादा होती है। गलती से भी इनको एक्सट्रीम कंडीशन में मत लेके जाइए, लाइक फॉग में या रेन में या हाईवे पे जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं होती, आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। और उस केस में इनसे बढ़िया आपका जो स्टॉक हैलोजन बल्ब आता है 35 वॉट्स का फिलिप्स का, आपके एक्टिवा या किसी और स्कूटर या बाइक में, वही बढ़िया परफॉर्म करेगा। और इन तीनों लाइट्स की कॉस्ट अराउंड 150 से लेके 250 के बीच में आपको मिल जाती हैं। और ये लाइट तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी एक टाइम पे और अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसमें ब्लू और रेड SMDs हैं जो इसको बहुत अच्छा इफेक्ट देती हैं और ये फ्लैश भी करती है। सो करूँगा क्या, इन तीनों को मैं फिट करूँगा अपने पुराने वाले एक्टिवा पे एक एक करके और आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा। और जौन सी इनमें से बेस्ट होगी, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करता में से कोई भी यूज कीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इन LED लाइट्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने एक्टिवा या किसी भी मोटरसाइकिल में, तो आप ऊपर आई बटन में जाके वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर आपको बताया हुआ कि बिना वायर काटे, बिना वारंटी वॉइड करे आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इनको। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे मेरा हैंडल आ रहा है, आपको वहीं पर सारे अपडेट्स मिलते हैं और पता रहता है कौन सी वीडियो कब आने वाली है। सो लेट्स बिगिन द कंपैरिजन। सो गाइस ये है मेरा एक्टिवा और आप देख सकते हैं इसमें जो भी बल्ब इंस्टॉल्ड है वो है CNSENI लाइटिंग का बल्ब और ये अराउंड 700 से 800 रुपए कॉस्ट करता है और ये विद फैन वाला है, ये विदाउट फैन नहीं है, इसमें फैन लगा हुआ है कूलिंग के लिए। आपको पहले मैं इसकी लाइट एक बार दिखा देता हूँ। सो ये है इसकी लाइट और कैमरा में थोड़ा सा डल दिख रहा है बट बहुत बढ़िया लाइट है इसकी। ये है हाई बीम और इसको मैं लो पे करता हूँ तो ये है जो लाइट का स्प्रेड है वो बहुत बढ़िया आ रहा है क्योंकि अंदर जो बल्ब हैं प्रॉपर वो रिफ्लेक्टर पे पड़ते हैं और बहुत ही बढ़िया लाइट आउटपुट आ रही है। बट इस लाइट का हमारी जो तीन फैनलेस LEDs हैं उनसे कोई भी कंपैरिजन नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो कॉस्ट डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा है और ये लाइट मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और इसी लाइट के साथ मैंने अपने शिमला वाली लाइट कंप्लीट की थी जून में। सो ये लाइट मेरी तरफ से पास है और अगर आपका इतना बजट है तो आप इसको खरीद सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। सो फटाफट एक एक करके हमारी तीन LEDs को करते हैं फिट। सो हेडलाइट वाली फेयरिंग मैं खोल चुका हूँ और अंदर से कुछ ऐसा सा व्यू है, टॉप व्यू है ये। सो यहाँ से लाइट ऑन करूँगा और आप आवाज़ सुन सकते हैं फैन की कितनी ज़्यादा आवाज़ है और अंदर से बहुत ज़्यादा डस्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालने के लिए इसको यहाँ से साइड से यहाँ पे जो सेफ्टी वाला होल्डर लगा हुआ है इसको निकाल देना है और इसको हमें हटा देना है और बल्ब को बाहर पुल कर लेना है। और जो हमारी वायरिंग में H4 फीमेल सॉकेट है उसमें से हम बल्ब का मेल सॉकेट निकाल लेंगे। सो जो फर्स्ट बल्ब मैं एक्टिवा में डालने वाला हूँ वो है ये बल्ब और आप देख सकते हैं इस पर दो साइड्स पे LEDs हैं और ये डल चुका है, बहुत ही सिंपल है इसको डालना। सो अब हम देखेंगे इसकी लाइट आउटपुट। सो फ्रंट से इस बल्ब का व्यू कुछ ऐसा सा है, एक लाइट ऊपर को है और एक लाइट नीचे को, साइड पे कोई भी लाइट नहीं है। सो इसको ऑन करते हैं अब। सो बल्ब हमारा ऑन हो चुका है और एक टाइम के लिए मैं कंफ्यूज हो गया था कि बल्ब ऑन भी है कि नहीं। और आप देख सकते हैं ये है इसकी हाई बीम और ये है इसकी लो बीम। लो बीम पे सिर्फ एक ऊपर वाला जलता है और हाई बीम करेंगे तो दोनों जलते हैं और रेंज भी कुछ खास नहीं है इसकी। सो ये जो लाइट है बहुत ही ज़्यादा बेकार है और इसकी जो बीम है वो भी काफ़ी ऊपर को जा रही है रादर देन इसको नीचे होना चाहिए। तो ये लाइट तो लगाने की आप सोचिए भी मत। तो ये वाली लाइट तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई हमारी, इसको बाहर निकालते हैं, टोटली वेस्ट ऑफ मनी। अब जो सेकंड लाइट डालने वाला हूँ वो है ये मल्टी कलर लाइट और इसमें आगे तीन LED बल्ब्स हैं छोटे छोटे और अंदर ही इसमें रिफ्लेक्टर है। फिटिंग जो है एकदम बढ़िया से आ गई है, कोई दिक्कत नहीं मुझे डालने में इसको। सो बल्ब फिट होने के बाद कुछ ऐसा सा व्यू दे रहा है, आप देख सकते हैं ब्राउन वाला पार्ट जो है और उसके आगे रिफ्लेक्टर वाला पार्ट बाहर को है। तो इस लाइट का जो ड्रॉबैक है वो चलाने से पहले ही पता लग रहा है कि जो रिफ्लेक्टर है हमारा हेडलाइट है बेसिक, जो एक्टिवा की OEM हेडलाइट है उसके ऊपर तो लाइट पड़ ही नहीं रही और जो लाइट आउटपुट है वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगी बिना कहीं पे रिफ्लेक्ट हुए। और जो इस लाइट में दूसरी कलर लाइट्स हैं आप देख सकते हैं रेड और ब्लू, तो वो रिफ्लेक्टर पे पड़ेगी बट उसका कोई यूज़ ही नहीं है। सो इसको ऑन करके देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी लो बीम्स दिखाता हूँ। ये है पहली लो बीम जिसमें अकेली ब्लू लाइट्स जल रही हैं और वाइट जो मेन हेडलाइट है वो नहीं जल रही, और हाई देन लो अगेन, सो इसमें रेड लाइट हो गई है।
लुक देखा जाए तो डेविल वाली लग रही है, बट ये पास से लगेगी, दूर से नहीं दिखने वाली लाइट बिल्कुल भी। इंटेंसिटी बहुत कम है। फिर से हाई और लो किया तो अब इसमें पिंकिश कलर आ रहा है, आप देख सकते हैं। ब्लू और जो रेड लाइट्स हैं वो दोनों एक साथ जल रही हैं। सो ये इसका थर्ड मोड, और फिर से हाई किया और लो। सो आप इसमें देख सकते हैं ब्लू रेड फ्लैश कर रही है, जो एम्बुलेंस या पुलिस वाला कलर होता है थोड़ा सा, और जो वाइट लाइट है वो स्ट्रॉब कर रही है इसमें। और ये फीचर बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए, सामने वाले को ब्लाइंड करता है। और आप देख सकते हैं इसकी स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले जो व्हाइट कलर स्ट्रोब हो रहा है वो स्लो है, और उसके बाद वो एकदम से फास्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। सो ये तो थे इसके मोड्स, बट जो मेन हमारी हाई बीम पे इसमें लाइट जलेगी वो है ये लाइट। और ये लाइट बहुत ज़्यादा बेटर है हमारे पहले वाली लाइट से, इस लाइट से। सो ये व्यू है लाइट का, और इसमें हाई और लो बीम का कोई सीन नहीं है। इसमें तीन लाइट्स इकट्ठे ही जलती हैं, और जो बीम बन रही है वो पूरा ही कवर कर रही है, ऊपर भी और नीचे भी। और बात कर ली जाए इस लाइट की रेंज की, तो जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा बेटर है पहले वाली लाइट से। सो अब चलते हैं अपनी अगली लाइट की तरफ। सो ये लाइट इंस्टॉल हो चुकी है, और आप देख सकते हैं फ्रंट से व्यू कुछ ऐसा सा है। तो तीनों हमारी SMD चिप्स हैं वो रिफ्लेक्टर्स पे पड़ रही हैं, एक इस साइड, एक इस साइड, और एक नीचे को। सो इसको अब ऑन करके देखते हैं। सो ये है इस लाइट की लो बीम, एंड ये अब मैं आपको चला के दिखाऊंगा इसकी हाई बीम, और आप देख सकते हैं। और एक बात कहनी पड़ेगी, इस लाइट का जो स्प्रेड निकल रहा है वो बढ़िया निकल रहा है। लो और हाई बीम में आप फर्क कर सकते हो, और लो बीम लो है और हाई बीम हाई है। और जो इस लाइट का कलर है वो कहीं ना कहीं कोल्ड ब्लू है, आप देख सकते हैं। प्रॉपर वाइट नहीं है, थोड़ा सा इसमें ब्लूइश टोन है। और फ्रंट में ऐसे है, जो लो बीम है उसमें ऊपर वाली दो चलती है, और हाई बीम में जो थर्ड है वो भी साथ में चलती है। तो ये अब इसकी हो गई हाई बीम। सो बात कर ली जाए इस लाइट की रेंज की, तो रेंज तो दूर तक जा रही है, बट इंटेंसिटी कहीं ना कहीं कम है, बट उस लाइट से कोई भी कंपैरिजन नहीं है। और अगर मुझसे पूछा जाए कि लो बजट लाइट में कोई लाइट चूज़ करनी हो, तो मैं इन दोनों में से ये वाली चूज़ करूंगा। और जो फर्स्ट लाइट थी वो तो बिल्कुल ही बेकार है, वो पता ही नहीं लगता कि लाइट ऑन भी है कि नहीं। सो आप ये ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं। और बहुत ही जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हाई एंड LED लाइट्स में कंपेयर करूंगा, तो आप मुझे नीचे कमेंट डाउन करके बताइए कि उसमें मैं कौन कौन सी लाइट्स को कंपेयर करूं। और साथ ही साथ एक वीडियो और भी आएगी जो मिड रेंज LED लाइट पे होगी, लाइक ये बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, और जो दूसरी वाली होती हैं वो 1000 प्लस हैं। सो 400 to 600 के बीच में कोई लाइट मुझे मिली तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। सो कंपैरिजन का रिजल्ट आपके सामने आ ही चुका है। सो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। सो अगर तो वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करें। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहीं पर सारे लाइव अपडेट्स मिलते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, होप टू सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन राइट सेफ राइट हार्ट, मिलते हैं किसी और बढ़िया वीडियो में। बाय बाय।